श्रीमती सीमा द्विवेदी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ग्रामीण तथा शहरी सरकारी बैंकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास चल रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि बहुत सी सरकारी बैंकें मृत प्राय सी हो गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि जो जनता का पैसा ऐसी बैंकों के पास अभी भी जमा है, क्या उन बैंकों को मजबूत करके सरकार द्वारा उस पैसे को वापस करने पर कोई विचार किया जाएगा अथवा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, ये मैं जानना चाहती हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, कहा है वो राज्य सहकारी समितियों में जो पैसा लोगों का लगा है और नहीं मिला है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये विषय प्रसंग सारा कॉपरेटिव की जो समितियाँ हैं उनसे संबंधित है और इसमें 2013 से लगातार वो पैसा निवेशकों को डूबा हुआ था, लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जो माननीय अमित शाह जी हैं उन्होंने पहल करके और इसमें पोर्टल लॉन्च करके और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है और इसमें अब तक करोड़ों जो निवेशकों का पैसा था उनमें से लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें हमने पैसे वापसी की भी प्रक्रिया चालू कर दी है और काफ़ी निवेशकों का पैसा वापस भी हुआ है और उस प्रक्रिया से गुजरकर जितने निवेशक उसमें आएंगे सभी का एक एक पैसा दिया जाएगा। पहले छोटे निवेशकों को पैसा हम दे रहे हैं, 10-10 हज़ार से स्टार्ट किया है और चूँकि 5-4 करोड़ रुपया हमको मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आने वाले समय में हम उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी पैसे को देंगे और एक एक पैसा सभी निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा। फोर सप्लीमेंट्री, श्री सुशील कुमार मोदी। पति महोदय, अभी माननीय मंत्री ने आंशिक उत्तर दिया है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि सहारा रिफंड के तहत 5,000 करोड़ रुपया विड्रॉ करने की आपने अनुमति ली थी और 5,000 करोड़ रुपया सहारा का जो पैसा था वो आपने विड्रॉ किया है, तो अभी तक कुल कितने लोगों ने आवेदन दिया है? नंबर एक, कितने लोगों को पैसा वापस किया जा सका है और क्या सरकार 5,000 करोड़ के बाद अतिरिक्त पैसा विड्रॉ करने के बारे में और कोई विचार कर रही है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। अभी माननीय सांसद जी ने उस विस्तार से उस सारा के इन्वेस्टर्स के संबंध में चर्चा की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है और उसमें 80,000 करोड़ के लिए आवेदन किया है, लेकिन जो वास्तव में जिनका परीक्षण होता है विधिवत उसका स्टेप बाई स्टेप उसकी प्रक्रिया है उसमें जितने लोग गुजरते हैं हम 45 दिन में पैसा रिफंड करने की हमने प्रक्रिया शुरू भी की है और हमने उसको प्रारंभ कर दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च जो हमने किया है उसकी पहचान उनकी जमा राशि और दावा का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वो पूरा होगा और एक एक पैसा देने का मैंने सहकारिता मंत्री ने तय किया है। अभी 5,000 करोड़ हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है और जब इस पैसे का वितरण हो जाएगा तो उसे हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पैसे को जितनी आवश्यकता पड़ेगी लेंगे, लेकिन ये संकल्प माननीय सहकारिता मंत्री जी का है कि जो गरीब हमारे निवेशक हैं लगातार जो भटक रहे थे और कुछ तो इस प्रकार के लोग थे उन लगता था उनका पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तेजी दिखाई है, तब मैं कह सकता हूं एक एक निवेशक का पैसा वापस होगा और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से जब 5-4 पूरा हो जाएगा द्वारा से फिर मांगेंगे और पैसा मिलेगा और एक एक पैसा बांटने का काम करेंगे। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।